नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें कि पटना मेट्रो से बड़ी खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि पटना मेट्रो का लगभग 60% ट्रैक सुरंग से होकर गुजरेगा। बताते चले कि पटना मेट्रो राजधानी के अधिकांश इलाकों में सुरंग से होकर गुजरेगी। सगुना मोड़ से गोला रोड और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल पहाड़ी से कंकड़बाग से मलाई पकड़ी तक एलिवेटेड ट्रैक से गुजरेगी। गोला रोड से सुरंग शुरू होगी जो पाटलिपुत्र स्टेशन बेली रोड होते हुए पटना जंक्शन को जोड़ेगी। एलिवेटेड ट्रैक की ऊंचाई औसतन 13 मीटर और सुरंग सतह से 150 फीट तक नीचे होगी। राजधानी की घनी आबादी के बीच मेट्रो परियोजना की डिजाइन इस तरह कुछ बनाई गई है कि कम से कम भूमि अधिग्रहण की जरूरत पड़े। अधिकांश इलाके में सरकारी भूमि की जरूरत है। डिपो के लिए सबसे अधिक करीब 25 एकड़ रैयती जमीन की अधिग्रहण का प्रस्ताव है। पटना मेट्रो के 2 कॉरिडोर में दानापुर कैंट टू पटना जंक्शन करीब 17.933 किलोमीटर में करीब 10.54 किलोमीटर सुरंग से गुजरेगी। मात्र 7.39 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक का निर्माण होगा। इन एरिया में सुरंग बनाई जाएगी। इसी तरह कॉरिडोर 2 में पटना जंक्शन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH, NIT, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर टर्मिनल, भूतनाथ रोड 0 माइल होते हुए अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल तक 14 किलोमीटर 7.92 किलोमीटर की सुरंग बनना है। मात्र 6 किलोमीटर एलिवेटेड निर्माण होगा। कंकड़बाग के मलाही पकड़ी से बस टर्मिनल तक 113 खंभे पर सबसे लंबा एलिवेटेड ट्रैक और कंकड़बाग से राजेंद्र नगर टर्मिनल तक भूमिगत ट्रैक होगी। आपको बता दें कि मलाही पकड़ी से निर्माण आरंभ हो गया है, लेकिन यहां अतिक्रमण के कारण कार्य में बाधा आ रही है। आयकर गोलंबर पर नियोजन भवन और बासा भवन के पास सरकारी जमीन की